तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बता रहा हूँ सैमसंग गैलेक्सी कमाल की एक ऐप के अपडेट के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, सैमसंग गैलेक्सी में गुड लक की ऐप मिलती है, जिससे आप अपने सैमसंग गैलेक्सी को कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। दोस्तों, उसके अंदर एक ऐप होती है क्यूब स्टार, जिसके अंदर एक नया अपडेट आया, नया अपडेट, क्या नए चेंजेस किए गए, क्या नया एड ऑन किया गया, सब मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये एक्चुअल में ऐप क्या काम करती, पूरी डिटेल आपको आगे देने वाला हूँ। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देना, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। चलते हैं दोस्तों आगे। मेरा नाम सनी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूँ क्यूब स्टार के नए अपडेट के बारे में। तो उसके लिए सबसे पहले जाना है आपको अपने मोबाइल के गुडलक वाली ऐप में चले जाना है। गुडलक वाली ऐप में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक नया अपडेट मिल रहा होगा क्यूब स्टार के अंदर। आपको यहाँ जाना है गो टू स्टोर के अंदर। गो टू स्टोर के अंदर आप देखेंगे आपको एक नया अपडेट यहाँ पर अवेलेबल मिल रहा होगा, वर्जन नंबर 7.20.7.20.065। इसको रोल आउट किया गया है 22 अप्रैल को, इसको रोल आउट किया गया है। मेरे पास अभी अपडेट आया है। यहाँ पर आप देखेंगे क्या नए चेंजेस किए गए। सपोर्ट द चेंज द फॉर्मेट ऑफ द डेट, आप डेट की फॉर्मेट को यहाँ पर चेंज आउट कर सकते हैं। डिस्प्ले द इंडिकेटर क्लॉक, अब आप इंडिकेट जो क्लॉक है ना, उसको वहाँ पर चेंज आउट कर सकते हैं। चेंज द वे ऑफ द कनेक्ट थीम पार्क, थीम पार्क के अंदर जो कनेक्ट होता है ना, उसको यहाँ पर आप कनेक्ट चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद आपको थीम पार्क का एक नया अपडेट करना हो तो ये आपको देखेगा। और साथ में स्टेबलाइज क्यूक सेटिंग्स इंस्टेंट एक्सेस, तो स्टेबलाइज कर सकते हैं क्यूक सेटिंग्स को इंस्टेंट एक्सेस के लिए। तो कमाल के यहाँ पर फीचर एड ऑन किए गए। सबसे पहली बात बता दूँ, ये क्यूक स्टार होता क्या है। तो क्यूक स्टार से आप अपने ये जो क्यूक पैनल होता है ना, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। दैट इज अ क्यूक पैनल, या बोल सकते हैं क्यूक स्टार। क्यूक पैनल, क्यूक स्टार से आप इस क्यूक पैनल को पूरी तरीके से मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले दिया गया है डेट फॉर्मेट, जो यहाँ पर डेट फॉर्मेट आ रही है ना, आप ये भी यहाँ पर चेंज आउट कर सकते हैं, या जो लॉक स्क्रीन देखिए उसको भी यहाँ पर चेंज आउट कर सकते हैं। कैसे, अब ये हो चुका है इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपको जाना है वापस अपने मोबाइल की गुडलक ऐप में, एंड देन वहाँ चले जाना है आपको क्यूक स्टार में। क्यूक स्टार में यहाँ पर सबसे पहले दिया गया, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, सपोर्ट टू चेंज द फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले क्लॉक। तो क्लॉक सेटिंग्स के अंदर चले जाते हैं। क्लॉक सेटिंग्स के अंदर हम चले गए डेट्स वाले फॉर्मेट में। तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट तो नहीं दिया, फॉर्मेट वाला ऑप्शन 6.1 में दिया है, इसमें नहीं दिया। इसमें खाली आपको ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन दिया है। उसके नीचे यहाँ पर आप टाइम को AM और PM वाला ऑप्शन हटाने का ऑप्शन दिया है। सेकेंड्स वाला ऑप्शन हटाना तो वो भी आप यहाँ पर हटा सकते हैं। सबसे पहले दिया स्टार योर क्यों, आप यहाँ पर पूरी तरीके से इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। विजिबिलिटी इंडिकेटर, जो जो आपको इंडिकेट चाहिए ऊपर की तरफ, वो ऐड ऑन कर सकते हैं। अप्लाई द कलर पैलेट टू नोटिफिकेशन आइकन, कलर पैलेट नोटिफिकेशन आइकन भी ऐड ऑन करना हो तो वो भी यहाँ पर आप चेंज आउट कर सकते हैं। और चेंज क्यूक सेटिंग बटन ग्रेड, ये अभी नया ऑप्शन दे दिया है। क्यूक सेटिंग का जो बटन ग्रेड है ना, आप उसको यहाँ पर चेंज आउट कर सकते हैं। यू कैन नाउ एडजस्ट द क्यूक सेटिंग्स बटन, ये अप डाउन का ऑप्शन आप देख रहे हैं, मैंने इसको कम कर दिया, ये कम आपको दिखेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हैं। क्यूक सेटिंग का जो बटन है ना, उसको आप कम ज़्यादा एडजस्ट यहाँ पर आप कर पाएंगे। नैरो वाइड यहाँ पर आप एड ऑन कर सकते हैं। क्यूक सेटिंग इंस्टेंट एक्सेस को एड ऑन कर सकते हैं, जैसा कि मैं यहाँ से किसी नोटिफिकेशन आया है, इस तरीके से किसी तुम क्यूक सेटिंग्स आ जाए, ठीक है, ये यहाँ पर एड ऑन किया गया। इसके अलावा देखेंगे आप सेटिंग्स में और कुछ एड ऑन नहीं किया गया, यही दो नए एड ऑन किए गए थे। बाकी जो ऑप्शन है वो 6.0 के अंदर या वो 6.1 के अंदर आपको मिलने वाले, जब 6.1 आएगा मेरे मोबाइल में वो एड ऑन हो जाएंगे। फिलहाल इस फीचर में कुछ लेटेस्ट चेंजेस तो नहीं गए, कुछ नॉर्मल सेटिंग्स को इन्हांस किया गया है, जिससे आप अपने मोबाइल को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। क्यूक सेटिंग्स मतलब ये वाला पेज होता है, जिसको आप यहाँ पर कम ज़्यादा समय कम करूँगा तो वो नेविगेशन कम खुलेगा, उसको फुल कर दूँगा तो वो फुल आ जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी कैपेसिटी यहाँ पर कम हो रही है। अब मैं ऐसे कर दूंगा तो वो सब जूम में आपको दिख रहे हैं, और मैं अगर ऐसे कर दूंगा तो सब जूम से हट जाएंगे और सिंपली पूरे यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे। तो ये क्यूब पैनल ये वाला काम करता है, या क्यूब स्टार इस तरीके से काम करता है पूरे क्यूब पैनल को डिज़ाइन करने के लिए। यही नया अपडेट था इसके अंदर, जो कि मैंने आपको बताया। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और आपको लगता है कुछ कमी है मेरी वीडियो में तो वो डिसलाइक कर सकते हैं, या फिर अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो रिलेटेड या कुछ भी, आप डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम फेसबुक पर DM करके भी पूछ सकते हैं। सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो, ताकि ऐसी नई अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और हो सके मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच।